हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मेरे 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन विद पिलग्रिम विटामिन सी रेंज। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिलग्रिम ने अपना विटामिन सी रेंज न्यूली लॉन्च किया है, जिसको मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में फॉलो करके काफ़ी मुझे मेरे स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट आया है एंड ग्लो भी आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मेरे स्किन केयर रूटीन के साथ। ये सारे प्रोडक्ट के मैं रिव्यू भी करने वाली हूँ, आपको ज़रूर मदद मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो फेस को क्लीन करना होता है, और क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे पिलग्रिम का विटामिन सी जेल फेस वॉश यूज कर रही हूँ, जिसमें काकाडू प्लम है। इसमें 100 times मोर विटामिन सी दैन ऑरेंज है, मतलब ऑरेंज से भी 100 times मोर विटामिन सी काकाडू प्लम में होता है, जो कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। इसके सिवा 99.99 प्योर विटामिन सी डेरिवेटिव भी इसमें यूज किया गया है। विटामिन सी काफ़ी मदद होता है स्किन में ब्राइटनिंग एंड ग्लो लाने के लिए, पिगमेंटेशन को भी फेडअप करने के लिए। ये इसका जो फॉर्म है, ये जेल फॉर्म में, जैसे कि नाम है जेल फेस वॉश, एंड काफ़ी माइल्ड स्मेल है, अच्छा सा सूदिंग सा स्मेल है। थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके फेस को हल्का सा गीला करके आपको फेस में जेंटली रब करके वॉश करना है। ज़्यादा इसमें ड्राई नहीं होता है फेस बहुत अच्छे से सॉफ्ट एंड सूद लगता है। एक दो बार यूज करने के बाद आपको आराम से पता चल जाता है कि फेस वॉश कितना अच्छा है स्किन के लिए। जैसे मैं आपको बता दूं, पिलग्रिम के सारे प्रोडक्ट्स 100% वेगन, क्रेलिटी फ्री, नो पराबिन, नो सल्फेट होता है, एंड 100% सेफ होता है, FDA एंड पेटा अप्रूव्ड भी होता है। इसके सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक पॉजिटिव भी होता है, इसीलिए मुझे पिलग्रिम का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो सेकेंड स्टेप है टोनर का। इसमें मैं 1% विटामिन सी टोनर यूज कर रही हूँ, जो कि इसमें अगेन काकाडू प्लम एंड लाइम पर्ल का इफेक्ट है। काकाडू प्लम जिसमें कि 100 times मोर विटामिन सी होता है रादर देन ऑरेंज। तो ये जो टोनर है, इसमें स्प्रे का सेटिंग है, तो आराम से आप थोड़ी सी दूरी में फेस में रख के स्प्रे कर सकते हो, एंड स्मेल काफ़ी सूदिंग है, आराम से आपके फेस में ऑब्जर्व हो जाता है। बिल्कुल लगता नहीं है कि कुछ चिपचिपा है। कुछ टोनर ऐसे चिपचिपा होता है, लेकिन ये बिल्कुल वाटरी फॉर्म है, तो काफ़ी रिफ्रेशमेंट देता है, बिल्कुल रिफ्रेश लगता है, एंड आपके स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं उसको क्लोज करने में काफ़ी मदद होता है, एंड स्किन में भी एक इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिलग्रिम के 2% विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज किया है। इसमें भी काकाडू प्लम एंड लाइम पर्ल का मतलब इंग्रेडिएंट से अगेन काफ़ी अच्छा होता है, एंड मॉइस्चराइजर का एक मुझे हमेशा तकलीफ होता है, कोई भी मॉइस्चराइजर लो वो स्किन में ना चिपचिपा फीलिंग देता है, हैवीनेस देता है, बिल्कुल अच्छा नहीं, लाइट फील नहीं होता है। लेकिन ये जो मॉइस्चराइजर है, इसमें से थोड़ा सा क्वांटिटी में आप लेना, काफ़ी थिक सा कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हो रनी नहीं है, लेकिन ये फेस में लगाने के बाद तुरंत ही ऑब्जर्व हो जाता है, एंड स्किन को एक रिफ्रेशमेंट के साथ स्किन को एक ग्लोई इफेक्ट देता है। आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि आप फेस में मॉइस्चराइजर अप्लाई किए हो, लेकिन अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज रखता है। तो आप इसको नाइट टाइम में हो, डे टाइम हो, बोथ टाइम में ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो। काफ़ी मुझे मदद मिला है, प्रेगनेंसी के बाद मेरे स्किन काफ़ी पिगमेंटेड हो गए थे, डार्क सर्कल काफ़ी हो गए थे, ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करके मुझे विजिबल रिजल्ट्स दिख रहा है। 2-3 दिन में ही आप फील करोगे, आपके धीरे धीरे आपके स्किन के टेक्सचर है, स्किन का जो ब्राइटनिंग इफेक्ट है, ग्लो है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। चलिए, मेरे स्किन तो काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं पिलग्रिम के विटामिन सी रेंज के स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद। आपका भी हो सकता है, अगर आप भी ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो, मेरी कूपन कोड जो है स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर दिया है, वो यूज कर लीजिएगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट भी मिल जाए। तो चलिए, सबको बाय एंड टेक केयर।